जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है, और जो आप प्यार सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस भोलेनाथ से यही दुआ करता हूँ कि वो आपको हमेशा खुश रखे, आनंद रखे, बहुत अच्छे से रखें, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। आज इस वीडियो में बात करेंगे काला जादू। थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप इस टॉपिक को जानने के बाद आपकी कई सारी परेशानी, कई सारी दुविधाओं, जिनका आप हल निदान, और मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। हवाएं तेज़ चल रही हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। सबसे पहली बात, जब इस वीडियो को मैं शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जो आपका मन हो भगवान का नाम जरूर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि ईश्वर सत्य है और ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। दूसरी बात है कि अगर आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। अब बात शुरू होती है काला जादू की। मुझे आमतौर पर ये प्रश्न बहुत हद तक मिलते हैं कि पंडित जी, किसी ने कुछ हमारे घर में कुछ कर तो नहीं दिया है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है हमारे, क्योंकि जब परेशानी में आते हैं तब बहुत सारे, जब हम परेशानी में होते हैं तब हमारे मन में कई सारे ख्याल दौड़ते हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तब बहुत सारे मन में ख्याल दौड़ते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, अड़ोसी ने कर दिया होगा, पड़ोसी ने कर दिया होगा, या कोई अन्य जो भी हमसे जलने वाले लोग हैं उनने कर दिया होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहली और मुख्य बात है दोस्तों कि जो भी इस तरह की जो एक पूरी मानसिकता है काला जादू करने की, या काला जादू की एक ग्रिप है, जिसकी पकड़ है, उस वो पकड़ कुछ इस प्रकार से, वो एक मानसिक दबाव और एक मानसिक तृष्णा है जो कि हमें केवल तड़पाती है, जिसका रियलिटी में कोई आधार या कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। ये एक माइंड गेम होता है कि अगर कोई व्यक्ति आप बीमार या परेशानी में होता है तो उसे कई सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि किसी ने कुछ कर दिया या ये चीज़ें हो गई है। उसके पीछे एक सिंपल सा आधार है कि जब हम परेशान होते हैं तब हमारा ध्यान इन सभी सभी की ओर बहुत हद तक जाता है, और इससे हम परेशान हो जाते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, या किसी ने कुछ कर दिया होगा, या किसी व्यक्ति द्वारा हमारे घर में इस तरह की गलती कर दिया हो, तो इससे हम कई हद तक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये जो बात दिमाग में कई दिनों तक चलती रहती है तो ये हमारी नकारात्मकता और नेगेटिविटी इससे भर जाती है। और जहाँ नकारात्मकता और नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भर जाती है कि हमारा दिमाग और हमारा व्यवहार जो है, हम उसी तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं जैसा कि हमारे दिमाग में चीज़ें चलती है, और वही चीज़ें दिमाग में चलने के बाद हम तनाव डिप्रेशन में होते हैं, और उससे कई सारी चीज़ें जो है अव्यवस्थित, पहले ही हम अव्यवस्थित थे, कई सारी परेशानियाँ थी, और इसकी वजह से और कई सारी परेशानियाँ हमने झेलना शुरू कर दी। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल भी नहीं पाते हैं। उसका हल है, उसका हल सिर्फ इतना सा है कि इन सभी बातों को आज अभी अपने दिमाग से निकाल दें। पहली बात खुद को समझा लें कि कोई किसी व्यक्ति पर किसी का बस नहीं है। आज से ये दिमाग को समझा लें कि कोई भी व्यक्ति किसी पर कुछ कर नहीं सकता। किसी के जीवन की और कर्म की आज़ादी हम सबको, जो गीता में लिखा है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है।